अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सवाना नासरीन। तो मैंने मंगाया है ट्रॉली फ्लिपकार्ट से, अमेरिकन टूरिस्ट का है ये, और ये फ़्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया। देख सकते हो आप, बहुत ही बड़ा पैकेजिंग है। और इसका जो प्राइस है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, 1900 रुपये समथिंग लगे हैं। तो अब मैं इसको ना अनबॉक्स कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ अनबॉक्स करके। तो ये देखिए, मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया। एंड ये जो ट्रॉली है ना, ये काफ़ी बड़ा सा है, मतलब 1900 में बहुत ही अच्छा मिला, प्लास्टिक वाला है। और इसका जो स्टोरेज है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए, ये बैग काफ़ी अच्छे से आपको नज़र आ रहा है। तो मैं इसको बस देख रही थी ट्राई करके। तो इसमें ना 360 डिग्री रोटेट होने वाला जो व्हील्स लगे हुए हैं, मतलब चारों साइड लगे हुए व्हील्स। उसके बाद मैंने जो ये हैंगर है ना, ये भी देखो, बहुत ही अच्छा है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है। फ़िलहाल तो 2500 रुपीज़ हो गए हैं, बट मैं लिंक दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आई थिंक सो अमेजोन में कम प्राइस होगा, तो आसानी होगी आपको लेने में। और ये ऐसा ट्रॉली रहने से क्या सुविधा होता है ना, तो मेरे कपड़े को इग्नोर करना प्लीज़। तो ऐसे कपड़ा ऐसा ट्रॉली लेने से एक सुविधा ये रहता है कि हमको बैग को टांग के कहीं पे जाने की झमेला नहीं रहता है, क्योंकि व्हील्स खुद ही व्हील्स लेके टान लो तो सही हो जाता है। तो मैंने ना इसमें अपनी कुछ सामान रखने के लिए लिया है, तो क्या सामान वो तो आपको पता चलेगा ही, एक वीडियो में डालूँगी ही, ये मेरे किस काम आने वाला है उसके लिए। तो यहाँ पे खुशी भी देख रही थी कि ट्रॉली क्यों लिए हो, और देखो बहुत ही बड़ा ट्रॉली और काफ़ी अच्छा है यार। 1900 में इतना अच्छा ट्रॉली मिल जाता है, और बैग जो होता है ना कपड़ा वाला ट्रॉली, वो उतना ख़ास नहीं होता, क्योंकि वो ना फट जाता है। और ये जो है, ये है प्लास्टिक वाला, तो ये सही रहता है ऐसा वाला ट्रॉली ना, कि इसमें स्टोरेज सामान वगैरह रखने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।